on our great achievement. Very good. She herself has to credit inspirational contributions. Madam Jaya Bachchan on this. Thank you, sir. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country. And they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. Yes. I'm so happy that while thanking the president in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. I also want to contribute and say, I know Mr. Rajamouli very well. Arre, Neeraj, kyun beech beech mein itna zor se bol raha hai? Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He's the story writer as well. He's a member of this house. And it's a great honor. There have been many, many such people from the creative world who have been nominated here in this house. Pehle bhi aur aaj bhi. Yes, ma'am. Sir, ye chronic disease hoti ja rahi hai. ये देखिए आवाज हमारे पास भी है हम भी बोल सकते हैं मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए मैम आपकी आवाज नहीं है आपकी बुलंद आवाज है नहीं वही मैं कह रही हूँ सर यू हैव द डिस्टिंक्शन टू बिलोंग टू अ फैमिली दैट हैज अ टेरिफिक डीएनए फॉर क्रिएटिविटी इन फिल्म इंडस्ट्री थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सर बट मैं ये कहना चाहती हूँ ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकग्नाइज कर रहे हैं द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर इट्स नॉट इन अमेरिका थैंक यू डॉक्टर अमर पटनायक श्री सीएम रमेश थैंक यू चेयरमैन सर This is the main Telugu industry. Kindly allow me to speak in Telugu, sir. Sir, ee roju Telugu parishrama prapanchamlone Oscar award ichindante nijanga kuda deeniki evaraithe mukhyanga unnaro main ee song chesindi Keeravani garu alage Chandra Bose garu Rajamouli director garu act chesindi kuda junior NTR Tarak Ramarao garu Ramchand gariki धन्यवाद जल्पना सर हाउस अंत पर्मटे वाली तरवा मनोसारी अंदर कल सन्म्चर अवकाश को सर मुख्य विजेन्द्र प्रसाद यदे राज्यसभा मेबर वार प्रेसिडेंट नामिनेशन अंटे प्रेसिडेंट नामिनेशन प्रधानमंत्री गारु एंत दूरदृष्टि चुस्को इट नामेटे दाखी मरकसारी प्रधानमंत्री गारी धन्यवाद వాళ్ళందర్ని కూడా ఇక్కడ సన్మానం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను సార్ తెలుగు వాళ్ళకి మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది సార్ ధన్యవాదాలు రంజిత రంజన్ అండ్ దెన్ ఫిలిప్ सबसे पहले मैं आपके माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगी कि जिसके कारण पूरे सदन में आज मुस्कुराहट फैली है जो बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत सारी बातें की मुझे लगता है कि दो बातें कहने के लिए बाकी है आरआर और एलिफेंट विस्पर्स में दो चीज़ें जो बहुत अहम थी एक माँ की ममता और एक हमारे कल्चर की सिंप्लिसिटी जो डांस था वो हमारे कल्चर का हमारी सिंप्लिसिटी का और मस्त होके जो इंडिया डांस करता है हमने अपने कल्चर का सम्मान किया आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सम्मान हुआ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए लेसन है और एक जो माँ होती है चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे वो पंछी हो माँ माँ होती है और उसका जो प्यार होता है सबके लिए बच्चे की तरह होता है ये बहुत बड़ा
लेसन हम सब के लिए है। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी जी, जैसे हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बधाई दी है, मैं भी बधाई देना चाहती हूँ। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, वहाँ पे एक और इतिहास रचा गया है कि एक इंडियन एक्ट्रेस वहाँ पर उन्होंने नाटू नाटू को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ब्लैक पहनी हुई थी सर, दीपिका पादुकोण। तो उनको भी बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, दीपिका पादुकोण से याद आया कि अगर हम अपना ये बॉयकॉट कल्चर है, इस ऑस्कर जीतने के बाद ये जो बॉयकॉट कल्चर चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खत्म करने का काम ये ऑस्कर करेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सर, बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई यील्ड दिस स्पेस टू महुआ माझी जी, हु हैज बीन वांटिंग टू स्पीक। सर, थैंक यू सो मच। द ओनली कल्चर आई नो इज एग्रीकल्चर। यस, एंड लेट अस बिलीव इन दैट। विनोद विश्वम जी, आई ऐड माय हंबल वॉइस टू द emotional, emotion-packed words of Jaya Bachchanji. Yes. She mentions in beautiful words, the feeling of this house. Sir, this is the moment. Sir, this is the moment when we all join together to uphold our culture, the diversity of it, richness of it, and the aesthetics of it. Sir, it is no more narrow one. It's a wide one. Wide one. And that wideness is to be celebrated now. Sir, the tribes, the underprivileged, and their love for the nature is beautifully mentioned in that film called Elephant Whisperings. Sir, that film shows how great this country is. The same way, the dance of Natu Natu, that will be in our memory always, and I believe that this country will celebrate those dance also. Sir, this is the moment that this country think about diversity and wonders. Our diversity is the cause of the oneness, not that one language is the answer for it. Several languages, north or south, India is one. Telugu or Hindi, India is one. Malayalam or Hindi, India is one. But that idea is not taken very seriously by certain quarters. This Thank is you. A reminder for them also. Thank you. Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं ऑस्कर लाकर हमारे पूरे देश को गर्वान्वित करने वाली पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। लेकिन एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अभी दो तीन दिन पहले ही साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा था, उसमें 24 स्टेट्स के कलाकार साहित्यकारों में से चुनकर आए हैं लोग। लेकिन उनकी एक समस्या ये है कि उनके लिए सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाई है। मैं बता दूँ कि उनको मेडिकल फ्री होना चाहिए। मैं आज के दिन जब उनके कारण हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, उनकी होल लाइफ के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत ही आर्थिक कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। धन्यवाद। ओके, इफ यू अलाउ सर, आई कैन से ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, यू विल गेट यस यस। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं कि आपने भारतीय फिल्म जगत की देश और दुनिया भर में जो धूम मची है, RRR के नाटू नाटू ने ना केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूँ ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज जस्ट द बिगनिंग। And India has the potential to become the content hub of the world. Yes. And let us work together to make India the content hub of the world. Yes. Nothing is regional today. As Prime Minister say, local to global, our regional has become international, sir. That is the big achievement for India, sir. Aur sir, isme badi baat ye hai ki Natu Natu
तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है, तो भारत के संगीत की धुन आज दुनिया भर में हो रही। सर, तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स, सिर्फ छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है, मैं अपनी ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोदी जी की सरकार में मिली है, हम कह सकते हैं सर, हमने लगातार जब टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी हुआ, तब राजा मौली जी और उनकी पूरी टीम, उस समय सर हमने वर्ल्ड प्रीमियर वहाँ पे प्रीमियर करने का काम किया, मंच दिया भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में भी सर 75 ईयर जब भारत और फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मनाए, पहली बार सर किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला तो भारत को, वो पिछले वर्ष हमें यहाँ पे होने का काम हुआ सर। सर, एक के बाद दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा किया। सर बस दो मिनट सर, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। सर अगर अभी सर पिछले साल सर सेंट्रल एशिया का डेलीगेशन आया था युवाओं का, सर मुझे कहते हो इस पूरे सदन के सामने प्रसन्नता होती है, जब सर शाम को भोजन का समय था, उन्होंने कहा हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं, मुझे लगा अपने देश के गाने बजाएंगे। सर भारतीय फिल्मों की धुन और उनको गाने का काम उस सेंट्रल एशिया के सर युवाओं ने किया, और बात भी कब की, राज कपूर जी की फिल्मों के गाने गाए गए, मिथुन चक्रवर्ती का गाना जिम्मी 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 आजा आजा आजा, सर उस पर आज के युवा के डांस कर रहे हैं। सर दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर RRR ने जो किया है सर उसके पीछे जो स्टोरी लिखने वाले, पटकथा लिखने वाले इस सदन के सदस्य भी हैं, हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है विजेंद्र जी, श्री अब्दुल वहाब, कि सर केवल स्टोरी नहीं लिखी सर, एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर इस सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबकी ओर से सभी को RRR द एलिफेंट विस्परर्स के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सर। थैंक यू चेयरमैन सर। सर वन इश्यू विच वी हैव कन्वीनियंटली फॉरगॉटन, सर व्हेन ए सिनेमा और डॉक्यूमेंटरी ऑफ आर्टिस्टिक नेचर ऑफ सच ए मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वन पर्सन और टू पर्सन्स, बट इट इज बिकॉज ऑफ द hard work that has been put in by hundreds of people, yes, technicians, whether be it technicians, artists, or etc., etc. Therefore, the appreciation that is being offered or conferred on this, it should go to everyone who has worked for the film, sir, or documentary, as the case may be, sir. And further, sir, irrespective of the language, irrespective of the religion, caste, creed, there are artists everywhere, and therefore this sub-regional feelings or sub-regional feelings or linguistic feelings should not be there while appreciating this, sir.